है एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल दैट ग्लैम अप क्वीन सो गेज आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग रेमेडी जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइटन ब्राइटन बना सकते हैं ग्लोइंग बना सकते हैं और स्पॉटलेस बना सकते हैं फेस्टिवल सीजन आने वाला है करवा चौथ आने वाला है अगर आप चाहते हैं कि आप करवा चौथ पे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखें आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी हो जाए तो आप इस डी रेमेडी को यूज़ करना बिल्कुल ना भूले बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मैंने बहुत सारी करवा चौथ के लिए दिवाली के लिए फेस्टिवल्स के लिए रेमेडी शेयर की है अगर आप उनको यूज़ नहीं कर पा रहे तो इस आसान सी रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई करें बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसको बनाना तो क्या करना है आपको इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको लेना है एक क्लीन बोल उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है वन टीस्पून बेसन यानी ग्राम फ्लॉर बेसन सबके घर में अवेलेबल होता ही है सबके घर में आसानी से मिल जाता है तो मैंने इसमें बेसन ऐड किया एक चम्मच बेसन स्किन से दाल धब्बे झाइया टैनिंग को रिमूव करेगा स्किन को ग्रोइंग बनाएगा उसके बाद अगली चीज भी आपको घर में ही मिल जाएगी वो है मसूर दाल पाउडर आपको इसमें एक चम्मच मसूर दाल पाउडर लेना है मसूर दाल सबके घर में होती ही है 100 परसेंट मिलेगी तो मसूर दाल को मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर बना लें और एक चम्मच वो ले लें उसके बाद आपको क्या करना है आपको इसमें ऐड करना है रोज वाटर रोज वाटर नहीं है तो आप इसमें कच्चा दूध दही भी ले सकते हैं जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो आप उसे यूज कर सकते हैं तीनों चीज़ें आसानी से घर में मिल जाएगी किचन में ही आपको आपकी खूबसूरती का राज किचन में ही छुपा हुआ है तो आप इसको यूज़ करना बिल्कुल ना भूले बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है यूज़ करोगे तो आपको 200 हंड्रेड परसेंट रिजल्ट मिलेंगे मैं आपको गारंटी देती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है अच्छे से मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए बहुत ही स्मूथ क्रीमी सा पेस्ट तैयार हो जाना चाहिए जो आपके फेस पर ईजिली अप्लाई हो सके ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सामने लोगों के लिए तो रामबाण है सांवले लोग जिनको लगता है कि उनकी स्किन जो है वो दिन प्रतिदिन सांवली हो गई है तो ये रेमेडी आप ज़रूर ट्राई करें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है अब हमारी डी आई वे रेमेडी एकदम रेडी हो चुकी है अब बात करते हैं कि इसे यूज़ किस तरीके से करना है यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यूज़ करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद आपको स्मूथली मसाज करते हुए अपने फेस पर इसे अप्लाई करना है बहुत ही स्मूथली मसाज करनी है ज़ोर ज़ोर से अपने फेस को बिल्कुल रगड़ना नहीं है बहुत ही स्मूथली अच्छे से मसाज करें कम से कम दो से तीन मिनट तक मसाज करें और उसके बाद आप इस पैक को अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दीजिए कम से कम पंद्रह से बीस मिनट के लिए जब ये पैक अच्छे से सूख जाए तो आपको नॉर्मल वाटर से मसाज करते हुए अपने फेस पैक को रिमूव करना है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं दो से तीन मिनट तक स्मूथली मसाज करें आपकी स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम्स है डार्कनेस हो गई है स्किन बहुत ज़्यादा डल फील कर रही है, है, है स्किन पर कोई शाइन नहीं है टैनिंग की दिक्कत हो गई है स्किन सांवली होती जा रही है स्किन पर झाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई है ये सारी दिक्कत है तो ये रेमेडी तो सिर्फ और सिर्फ आपके ही लिए है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी अगर आज से ही यूज़ करोगे तो करवा चौथ पर जो आपकी स्किन पर निखार होगा ना वो देखने लायक होगा किसी की नज़र नहीं हटेगी आपसे इतना ज़्यादा इफेक्टिव है ये मैंने फेस वॉश कर लिया और आप देख सकते हैं कि इसकी पहली यूज़ से मेरी स्किन कितनी ज़्यादा शाइनी और ग्लोइंग नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ भी फील कर रही है ये है डी ए व रेमेडी आप इसे ज़रूर ट्राई करें तीन ही चीज़ें यूज़ किए इस मैंने जो इजीली आपको किचन में मिल जाएंगी बाहर से कुछ नहीं खरीदना है किचन में ही आपकी खूबसूरती का राज छुपा हुआ है तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करें फटाफट से डेली लगाएं डेली यूज़ करोगे तो बहुत ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे स्किन की सारी प्रॉब्लम्स करवा चौथ दिवाली तक ऐसे छूमंतर हो जाएगी जैसे कभी थे ही नहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है यूज़ करो और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए कि आपको इस रेमेडी के कितने अच्छे रिजल्ट मिले तो आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें मैम लूँगी आपका अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर